नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। होली के मौके पर गाने के माध्यम से राजनेतान को अपमानित करने और स्थानीय कलाकार प्रमोद प्रेमी और गीतकार मनीष गौरी के लिए मुसीबत को सबक बन गो है मुसीबत को। देश के दिग्गज नेतान को नाम लेकर अश्लील गीत गाने के मामले में आरा के सदर एएसपी हिमांशु ने मामले की जांच कर दोनों कलाकारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को आदेश दियो है। यह मामले में लोजपा यानी कि रामविलास पासवान के जिला अध्यक्ष राजेश्वर पासवान एवं बहुजन समाज पार्टी की जिला अध्यक्ष रविंदर कुमार ने स्थानीय कलाकार प्रमोद प्रेमी और गीतकार मनीष गौरी पर आपत्तिजनक गायकी को आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग भोजपुर एसपी से करी है। या के लिए उन्होंने लिखित शिकायत करते हुए कही है कि प्रमोद प्रेमी द्वारा सोशल मीडिया पर जारी किए गए वीडियो में गीत के माध्यम से बसपा नेत्री मायावती और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान समेत कई अन्य राजनेताओं के खिलाफ अपमानजनक शब्दों को प्रयोग कर जनमानस की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है। उन्होंने यह मामले में एसपी से विधि सम्मत कार्रवाई करने की मांग करी है। आवेदन मिलने के बाद मामले पर संज्ञान लेते हुए एएसपी हिमांशु ने मामले की जाँच कर दोनों कलाकारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को आदेश दियो है। आपको बता दें, भोजपुरी सिंगर प्रमोद प्रेमी ने अपने गाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, राजद सुप्रीमो लालू यादव, चिराग पासवान, मायावती समेत कई नेताओं के नाम लिए हैं। गाने के बोल हैं, चोली बेचे चिराग पासवान। उल्लेखनीय है कि प्रमोद प्रेमी या तो पहले भी नेताओं को नाम लेके गानों गा चुके हैं और ऐसे ऊट पटांग गाने गाने थे इन्हें तनक ख्याति मिल जाए और वाके बाद जब FIR दर्ज हो तो सुर्खी बन जा। वैसे शायद कोई ना पूछ तो, लेकिन अब सुर्खी बन गई है और यानी अपमानित करने वाली बात कही है तो हम भी आपको खबर बनवा बता रहे हैं। इनको यही बात में प्रमोशन है, गई चल लो। बाकी नई खबर में आपसे फिर दोबारा रूबरू होंगे। जब तक के नहीं है देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।